भगवत वाणी होने के कारण और गुरुओं के द्वारा लिपिबद्ध होने के कारण माता सरस्वती शारदा जिनवाणी आराध्य हैं, उनकी आराधना से जो ज्ञान का भंडार खुलता है, उसमें से जीवन के अनमोल मोती, अद्वितीय रहस्य प्रकट होते हैं। रहस्य यद्यपि उन शब्दों में नहीं है, लेकिन ग्रंथकर्ता के अभिप्राय में अवश्य है। शब्दों को संकेत बनाकर सत्य निष्ठा से स्वाध्याय करने पर उसका कुछ परिचय प्राप्त होता है। वास्तव में इसी को आगम कहते हैं, आगच्छति इति आगमः, गणधर परंपराया आगच्छति इति आगमः। तीर्थंकर और उनके प्रधान शिष्य सर्वऋद्धि समृद्ध आचार्य जो गणधर कहलाते हैं, फिर उनके प्रशिष्य जो परंपराचार्य आरातीय कहलाते हैं, वहाँ से गुजरती हुई वो आगम गंगा चली आ रही है। जिन शासन राज शासन नहीं है, धर्म शासन है, और जिनेंद्र देव से प्रवाहित वो गंगा कवियों की बोली में वीर हिमाचल तय निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, ऐसी कविताओं में निबद्ध है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में आज सरस्वती जितनी मात्रा में जिस रूप में उपलब्ध है, उसको एक घड़े के बराबर माना है। और उस काल में जब साक्षात भगवान यहाँ पर विचरण करते थे, जो उनकी वाणी हुआ करती थी, वो वाणी समुद्र की उपमा को धारण करती है। क्षीर समुद्र में
जल होता है, और वहाँ का जल यदि घड़े में भर लिया जाए तो भी वो जल होता है, उसकी जाति नहीं बदलती। क्षीर सागर का जल और क्षीर सागर से भरे हुए घड़े का जल एक ही जाति का होता है, मात्रा में न्यूना दिखता है। इसी प्रकार आज भी इस कलयुग में, इस दुखमा काल में, पंचम काल में भगवान के वचन निर्दोष महाव्रतियों की श्रुत परंपरा से चले आ रहे हैं। यद्यपि शब्द अनेकार्थक होते हैं, इस कारण शब्द के विपरीत अर्थ भी निकल सकते हैं, अप्रासंगिक अर्थ भी निकल सकते हैं, और उन अर्थों को लेकर नए नए संप्रदाय खड़े हो सकते हैं। पर जो सच्चा आराधक है वो प्रकरण से विरुद्ध अर्थ निकालकर अर्थ का अनर्थ नहीं करता, ये उसकी सत्य निष्ठा होती है। अर्थ के लोभ से अर्थ का अनर्थ करना सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। उस वाणी के विषय में जिसको कि जिनेन्द्र भगवान की देशना कहते हैं, जिसको दिव्य ध्वनि, जिसको जिन वाणी, जिसको सरस्वती, जिसको शारदा, जिसको आगम और जिसको शास्त्र, शास्यते धर्म तीर्थ मने नहीं थी शास्त्रम, जिसके द्वारा धर्म तीर्थ शासित किया जाता है वह शास्त्र कहलाता है। अर्थात जो धर्म का मार्ग बतलाता है वह ग्रंथ शास्त्र कहलाता है। और भगवान की वाणी तो दिव्य ध्वनि थी, कोई कहते हैं ओंकार रूप थी, और धर्म सभा में सबको अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई पड़ती थी। उस वाणी को काव्य रूप में गुंफित करने वाले जो गणधर थे, रिद्धिधारी थे, बड़े विद्वान थे, उन्होंने ग्रंथ का रूप दिया। इसलिए शास्त्र रूप जो वचन है वो है तो सरस्वती, लेकिन ग्रंथ नाम से भी जानी जाती है। ये विद्वानों की माता भी कहलाती है, जिनवाणी माता, माता सरस्वती, देवी सरस्वती, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, श्रुत देवी। सरस्वती नाम स्तोत्र में कुछ नाम दिए हैं, फिर जय धवला के मंगलाचरण में आचार्य वीरसेन स्वामी ने अम्ब शब्द का प्रयोग किया है। अम्ब भी मातृवाचक है, तो सरस्वती को माता क्यों कहा, वो तो भगवान की वाणी है। तो इसका समाधान यही है कि माँ जिस प्रकार संतान का कल्याण करती है उसी प्रकार यह जिनवाणी माता सरस्वती जीवों का कल्याण करती है, तो कल्याणकारिणी होने के कारण माता कहलाती है। और इसके श्रवण का पात्र कौन है, सरस्वती को सुनने का अधिकार किसके पास है, इस विषय में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 74वीं कारिका में लिखा है, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरिताय तनान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध धियः। जिन्होंने
आठ अनिष्ट जिनकी लत पड़ जाने पर छोड़ना मुश्किल है, और जो पाप के स्थान भूत हैं, ऐसे शराब, मांस, शहद, बड़ का फल, पीपड़ का फल, उमर का फल, कठुमर यानी अंजीर और पाकर, जिसको यहाँ उत्तर प्रदेश में गुलर भी कहते हैं, इन पांच फलों को उन तीन मकारों के साथ मिलाकर, इन मदिरा, मांस और मधु, इनके साथ ही पांच फल छोड़े हैं, वह शुद्ध धीय संत, वह समूह अर्थात वे लोग जिन्होंने इन आठों का त्याग किया है, इन आठ को छोड़ दिया है, शुद्ध दिया, और जिनकी बुद्धि शुद्ध है, जिनकी बुद्धि अशुद्ध नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका खान पान बहुत शुद्ध होता है किंतु बुद्धि वैसी शुद्ध नहीं होती जैसा खान पान है। तो आचार्य कहते हैं कि इन आठ को छोड़कर खान पान तो शुद्ध कर लिया, अब शुद्ध धीय संत, शुद्ध बुद्धि होते हुए जिन धर्म देशनाया पात्राणि भवन्ति, जिनेन्द्र भगवान के उपदेश को सुनने की पात्रता उनमें आ सकती है, यानी जिनवाणी को सुनने के सभी लोग पात्र नहीं हैं, जिनके अंदर ऐसी पवित्रता है, खान पान की शुद्धि और वैचारिक शुद्धि जिनके पास है, जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वो इसको सुनने के पात्र हैं। और अभी वर्तमान में जो अपन एक शुद्धता की ही चर्चा कर रहे हैं, साधना से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और अंतःकरण की शुद्धि से अपने स्पंदन बदल जाते हैं, आभा में परिवर्तन आ जाता है, ऊर्जा केंद्र निर्मल हो जाते हैं, और उससे सफलता, स्वास्थ्य, संबंध, सब कुछ संतुलित हो जाता है, जीवन में सुधार आ जाता है, और फिर निखार भी आने लगता है। तो इस विषय को लेकर दिशाओं की चर्चा चली थी कि विभिन्न मनुष्यों के लिए दिशाओं के दो वर्ग बनते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूर्व प्रधान कहा जाता है, ईस्ट ग्रुप, और कुछ ऐसे हैं जो वेस्ट ग्रुप वाले हैं, पश्चिम प्रधान हैं। अब वो उनके जन्म वर्ष आदि से निकाला जाता है, उसके कैलकुलेशन सभी कंप्यूटर के और मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स और ऐप्स में निकल आते हैं। आप अपनी जन्म तारीख और फिर समय आदि और नाम वगैरह डाल दो तो फिर वो अपने आप आपको दिशा बतलाएगा आपका मोबाइल, और फिर उसमें बताएगा ये लकी डायरेक्शन और ये अनलकी डायरेक्शन। चार दिशाएं अशुभ होती हर इंसान के लिए और चार शुभ होती। तो वेस्ट ग्रुप वालों के लिए वेस्ट यानी पश्चिम दिशा शुभ होती है, ईशान दिशा भी शुभ होती है, नैऋत्य दिशा भी शुभ होती है, और वायव्य भी शुभ होती है। अब आप सोचेंगे कि ये ईशान, नैऋत्य, वायव्य ये सब क्या है, तो फिर इसको अपन बोलचाल की भाषा में कहें तो ईशान कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को, नैऋत्य कहते हैं साउथ वेस्ट को, और वायव्य कहते हैं नॉर्थ वेस्ट को, और वेस्ट तो ही है वेस्ट ग्रुप वालों के लिए। और इसी तरह ईस्ट ग्रुप वालों के लिए ये दिशाएं अशुभ होती है, उनके लिए इनको छोड़कर बाकी दिशाएं अशुभ होती है, और ईस्ट ग्रुप वालों के लिए
वे दिशाएं जो इनके लिए अशुभ है शुभ होती, जैसे उनके लिए ईस्ट शुभ है, साउथ शुभ है, साउथ ईस्ट भी शुभ है, आग्नेय कोण जिसको कहते हैं, नॉर्थ शुभ है। तो अब इसके फिर कुआ नंबर्स निकाले जाते हैं, चाइनीज वास्तु जिसको फंग शुई कहते हैं, उसके अंदर एक कुआ नंबर निकालते हैं, आप जन्म तारीख और अपना वर्ष डाल दो तो फिर कुआ नंबर निकलता है। जैसे अभी हमने एक बार प्रयोग किया था गुजरात में, तो हमारा कुआ नंबर 1 था, आचार्य विद्यासागर महाराज का भी 1 नंबर था। तो 1 नंबर वालों के लिए पूर्व दिशा स्वास्थ्य की दिशा कहलाती है, आग्नेय दिशा सफलता की, दक्षिण दिशा संबंधों की, उत्तर दिशा साधना की, स स स स है चारों, सफलता स्वास्थ्य संबंध साधना। अब इन दिशाओं में अगर अपन कोई एक कागज़ में कोई लक्ष्य अपना निर्धारित करके उसको विधिवत रख दें, वो विधि भी वहाँ सिखलाते हैं, वो विधिवत रख दें, जैसे मान लो सफलता की दिशा में आप कोई अपना लक्ष्य रख दीजिए। शेरिल रिचार्डसन ने बड़ी सुंदर बात कही थी अपने एक लेक्चर में कि द ओनली ऑब्स्टैकल बिटवीन अस एंड अवर एबंडेंस इज अस, अपनी और अपनी तरक्की के बीच जो एकमात्र बाधा है वो अपन है। उसने अपने उस व्याख्यान में कहा कि 3 पीले कागज के टुकड़े ले लीजिए और अपनी 3 अभिलाषाओं को, अपने 3 लक्ष्यों को, विभिन्न क्षेत्रों में आपके लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे खेल कूद में किसी का लक्ष्य हो सकता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बन जाऊँ, स्टेट का बन जाऊँ, नेशनल चैंपियन बन जाऊँ, या वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ, या ओलंपिक्स चैंपियन बन जाऊँ, ECR चैंपियन बन जाऊँ, कोई भी लक्ष्य हो सकता है उसको लिख लीजिए। दूसरे कागज़ में आप अपने सफलता के क्षेत्र को चुन करके उसका लक्ष्य लिख लीजिए कि मुझे इतनी आर्थिक संपन्नता इष्ट है, और फिर किसी और में अपने संबंधों को लेकर के लिख लीजिए, अपनी साधना को लेकर के लिख लीजिए। 3 कागज़ लेना है, 4 दिशाएं भले हों लेकिन उनमें से 3 चुन करके आपको 3 दिशाओं में वो 3 कागज़ संभाल करके रख लेना है। और उसका कहना है कि ऐसा हो नहीं सकता कि उस लक्ष्य को आप प्राप्त न करो, पर एक बात याद रखना कि किसी भी लक्ष्य को बनाने से पहले उसकी प्राप्ति के बाद आप उसको कितने हद तक आनंदपूर्वक झेल पाएंगे ये ज़रूर सोच लेना, क्योंकि कभी कभी लगता है कि ये मिल जाए वो मिल जाए, एक्टर बन जाऊँ वो बन जाऊँ, पर बन जाने के बाद जब उससे बात करते हैं तो पूछते पर बोलता है खास नहीं, वैसे ही है, मतलब उसको ये लगता है कि जीवन में मज़ा नहीं आ रहा है। तो कोई भी इच्छा है उसकी पूर्ति करना बुरी बात नहीं है, लेकिन पूर्ति होने के बाद उसका क्या नतीजा होता है उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर आपको लगे कि बस नहीं, यही मेरे जीवन का केंद्र बिंदु है और यही मेरी सफलता और मेरी सार्थकता है, मेरा पुरुषार्थ यहीं सफल होगा, तो फिर आप बेधड़क उसको लिख दीजिए। लिखने के पहले आप 10 बार सोच लीजिए, लिखने के बाद कुछ नहीं हो सकता, लिख दिया आपके हस्ताक्षर हो गए, फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।